Hello. Good afternoon to all of you. जिसके पीछे नॉइज है प्लीज माइक म्यूट करके रखो आपका. साय से गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. कैसे आप सब लोग? अच्छे से. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. तो अब तक हमने डियर स्टूडेंट जो आर्टिकल देखा है, जो पार्ट देखा है, बहुत ही मतलब सिंपल बेसिक सभी टॉपिक्स में यूज होने वाला ऐसा हमने अब तक पार्ट देखा है. ओके, अब वो जो पार्ट है हर टॉपिक में यहां से आगे फिजिक्स में हर जगह आपको यूज होने वाला है. ऐसे कुछ बेसिक एंड ऐसा मत समझो कि ये जो पार्ट चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है, कि ये जो टॉपिक है पार्ट है ये यूजफुल नहीं है, सिर्फ बेसिक है, ऐसा नहीं. एक्चुअली मैंने आपको कहा है कि हमने फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये स्टार्ट किया है. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में उसका नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है. अगर आप दूसरे रेफरेंस बुक्स में देखेंगे कभी मेजरमेंट्स, या तो हम कहेंगे आप अगर एस सी वर्मा का बुक देखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ये जो पार्ट है इसमें ये दिया हुआ पार्ट है. ओके, बेसिक एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन आज हम एक न्यू आर्टिकल देखने वाले हैं, जो आर्टिकल आपको यहाँ से आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है. सबको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है? यस सर. अब आपका माइक जो है आप म्यूट करके रखिए. जिनके पीछे नॉइज है, आवाज है, तो वो प्लीज माइक म्यूट करके रखिए. ओके, यस सर. ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. हम आज का आर्टिकल जरा ध्यान से देखिए. सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे पास में कोई एक नंबर है. आई एम राइटिंग दैट नंबर 5.7.325. ओके, ये मेरे पास एक नंबर है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर है कितने डिजिट्स इसमें हैं, कितने अंक हैं? वन टू थ्री फोर फाइव. बट आई एम टू राइट दिस नंबर अप टू सर्टन डिजिट्स. अब कितने डिजिट्स है? मैंने कहा फाइव डिजिट्स है. देर आर फाइव डिजिट्स इन दिस नंबर. बट मैं अब आपको बता रहा हूं कि इस नंबर को मुझे सिर्फ थ्री, मतलब ये एक्चुअली नंबर भी डिजिट भी थ्री आया है, लेकिन मुझे बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स थ्री आनी चाहिए, मतलब थ्री डिजिट्स तक ही लिखना है. कहां तक लिखना है उसको नंबर को? थ्री डिजिट्स तक ही लिखना है. अगर थ्री डिजिट्स तक लिखना है मतलब आगे की डिजिट्स मुझे नहीं चाहिए. अगर ऐसे केस में आपको ये थ्री डिजिट्स में लिखना है नंबर, जो जिस नंबर में फाइव डिजिट्स है, तो उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है. राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेट करना है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, हम अंदाज से राउंड ऑफ नहीं कर सकते. उन डिजिट्स को, नंबर्स को, मेजरमेंट्स को राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स, तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं. आप सब लोग अच्छी तरह से सुनेंगे एंड मैं फिर आपको ही पूछने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें आपको वो एग्जांपल्स सॉल्व करने. ओके, तो देखते हैं अब राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स ये आर्टिकल. सब लोग ध्यान दो अच्छी तरह से. चलो अब मैं किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछकर ये आपको समझाता हूँ, ताकि समझाने में आसानी होगी. ओके, चलो खुशी थोरात, खुशी आवाज आ रही है आपको? यस सर. ओके, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं. इस नंबर को मुझे सिर्फ थ्री डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, मतलब यहां तक ही लिखना है. बट लिखते वक्त कुछ रूल्स हमें फॉलो करना है, वो फॉलो करना है. तो वो रूल क्या है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जो जो मैं क्वेश्चन पहले पूछ रहा हूँ उसे पहले अच्छी तरह से समझ लो. ओके, देखो क्या है आलोक का क्या कहना है, रेडियन कॉन्सेप्ट वो भी बताता हूं. पहले आप ये सुन लो, आज का आर्टिकल सुन लो, समझ लो. तो इसका मतलब हमें
ये डिजिट नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि थ्री डिजिट्स तक ही राउंड ऑफ करना। हाँ याद रखो, राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब सिर्फ उतने डिजिट्स लिखो, ऐसा नहीं है। उसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, मतलब वही वैल्यू है ऐसा हम समझेंगे। तो तीन डिजिट्स तक ही लिखना है। तो सबसे पहले देखना चाहिए फोर्थ डिजिट कौन सा है, कौन सा है फोर्थ डिजिट? टू। ओके, टू टू। अब जिसको मैंने क्वेश्चन पूछा था वह पहले बताएंगे, मतलब आप सबको समझ में आ जाएगा। किसको पूछा था मैंने क्वेश्चन? खुशी थोरा। खुशी, फोर्थ डिजिट कौन सा है इसमें? टू। टू, वेरी गुड। अब फोर्थ डिजिट के बाद आने वाला डिजिट फाइव, करेक्ट है? यस सर। हाँ, अब ये इसको बोलते हैं, ये फॉलो कर रहा है टू को, फॉलो कर रहा है। तो टू इज फॉलोड बाय फाइव, एंड उसके पहले का डिजिट उसको बोलते हैं प्रीवियस डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट। तो खुशी, टू का प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है बताओ मुझे? थ्री। थ्री, वेरी गुड। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, रूल नंबर वन, फर्स्ट रूल बता रहा मैं, सब लोग अच्छी तरह से समझोगे। रूल फर्स्ट क्या, बहुत ही सिंपल है। रूल फर्स्ट ऐसा है माय डियर स्टूडेंट्स, जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन फाइव, लेस देन फाइव है, मतलब लेस देन फाइव कौन कौन सा है? यहां पर आ सकता है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो लेस देन फाइव। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन फाइव फॉलोड बाय एनी डिजिट, एनी डिजिट इन द सेंस उसको फॉलो करने वाला, उसके बाद में आने वाला डिजिट, एनी डिजिट आए से, एनी डिजिट मतलब जरा समझ लो, वहां पर जीरो हो सकता है, नॉन जीरो डिजिट हो सकता है, कोई भी डिजिट रहने दो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, देन इट्स प्रीवियस डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, टू के पहले का डिजिट, प्रीवियस डिजिट कौन सा है? थ्री। उस थ्री को माय डियर स्टूडेंट्स वैसे ही रखना है, द प्रीवियस डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, मतलब फर्स्ट थ्री डिजिट हमें लिख देना है। बहुत ही सिंपल रूल है। क्या बताया फिर से सुनो, मुझे ये नंबर जो है राउंड ऑफ करना है, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं, मतलब फाइव डिजिट्स हैं, एंड आई एम टू राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू थ्री डिजिट्स ओनली, सिर्फ तीन डिजिट्स तक ही लिखना है मुझे। तो पहला रूल बहुत सिंपल है, जो तीन डिजिट्स तक लिखना है, मतलब फोर्थ डिजिट नहीं चाहिए, फोर्थ डिजिट नहीं चाहिए, जो डिजिट नहीं चाहिए वह कितना है वह देखो, वह टू है, दैट इज लेस देन फाइव। वह अगर लेस देन फाइव है फॉलोड बाय एनी डिजिट, उसके बाद में आने वाला डिजिट कोई भी रहने दो, देन इट्स प्रीवियस डिजिट, इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, उस प्रीवियस डिजिट को वैसे ही रखना है, वैसे ही रखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हम लिखेंगे ये अप टू थ्री डिजिट्स 57.3। क्लियर हो गया ये? यस सर। और दूसरे क्वेश्चन को पूछते हैं, चलो फिर हमें समझ में आ जाएगा रूल नंबर वन समझ में आया या नहीं। रोहित बोरगांवकर, रोहित सब होने वाला है, जो चल रहा है वह सिर्फ अच्छी तरह से सुनो, रोहन जो चल रहा है वह परफेक्ट होना चाहिए। रोहित को आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके रोहित, रूल समझ में आया क्या आपको? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ। ओके कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट मैं पूछता हूं, विक्रांत, चलो वैदेही। यस सर। देखो मैं नंबर लिख रहा, आप अच्छी तरह से ध्यान दो, 4.8531। अगेन इन दिस नंबर कितने डिजिट से वैदे ही? फाइव। फाइव, गुड। तो मुझे इस नंबर को लिखना है, राउंड ऑफ करना है अप टू थ्री डिजिट्स, कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है? थ्री डिजिट्स ओनली, गुड। तो इसमें ये तीन डिजिट्स यहां तक है, मतलब मुझे फोर्थ डिजिट चाहिए क्या वैदे ही?
नहीं तो मुझे बता फोर्थ डिजिट जो है वह कितना है? 3 less than 5. यस वेरी नाइस, इट्स 3 एंड इट इज लेस देन 5. अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वह 3 है, वह लेस देन 5 है, तो उसके पहले के डिजिट में क्या चेंज करोगे? कुछ चेंज नहीं होगा. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर नंबर? 4.85. वेरी गुड, 4.85. गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं. बहुत ही सिंपल रूल है, बट जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट है. चलो, वैदे के बाद तन्वी, शिवानी, स्वप्निल, इनमें से किसको आवाज आ रही है? यस सर. ओके स्वप्निल, अब मैं नंबर लिख दे रहा हूं यहाँ पर 1.2340. चलो इसमें भी कितने डिजिट से बता? 5 digits. मुझे 3 digits तक लिखना है. फोर्थ डिजिट कौन सा है? 4 less than 5. Less than 5. तो राउंड अप करके नंबर बताओ मुझे क्या आएगा? 1.23. ओके, क्योंकि प्रीवियस डिजिट 3 है 4 के, उसमें कोई चेंज नहीं करना है. क्लियर है? यस सर. ओके शिवानी पवार. यस सर. अब मैं लिख रहा हूँ, आप आंसर बताओगे. ओके यस सर. फोर्थ डिजिट कौन सा है? 0. लेस देन 5 है या नहीं? लेस देन 5 है सर. तो आंसर क्या आएगा राउंड ऑफ करने के बाद? 6.54. गुड, 6.54. बहुत ही सिंपल रूल है. ओके संस्कृति शिंदे. देखो मेरे पास ये नंबर है 12.2311. किसका माइक शुरू है? अभिषेक माइक. हेलो सर. हाँ एक मिनट. हाँ अभिषेक ने बंद किया. हाँ ओके बोलो आप. संस्कृति सर नेटवर्क इश्यू था, आप रिपीट करेंगे? ओके तो संस्कृति मेरा कहना ये है सिंपल कि ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं? सिक्स डिजिट्स है. मुझे इस नंबर को 3 digits तक राउंड ऑफ करना है. तो फोर्थ डिजिट कौन सा है बताओ मुझे. फोर्थ डिजिट 3. वेरी गुड. तो मुझे उसको राउंड ऑफ करने के लिए मुझे बताना है कि वह 3 है, लेस देन 5 है क्या? यस. हाँ. तो क्या लिखोगे फिर इस नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद अप टू 3 digits? 12.2. वेरी गुड, 12.2. चलो नेक्स्ट रूल सब लोग समझ लो, देखते कौन आंसर बताता है नेक्स्ट रूल का. सौरभ बोरे, संजीवनी. यस सर. नेक्स्ट रूल ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको. ओके ओके सर. रूल नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान देना होगा अच्छी तरह से. मेरे पास नंबर है 5.6.380. सौरभ बोरे. यस सर. कितने डिजिट से इस नंबर में? 5. गुड, तो इसको मुझे 3 digits तक राउंड ऑफ करना है. फोर्थ डिजिट कौन सा है इसमें? 8. वेरी गुड. लेस देन 5 है क्या? नो सर. नहीं. अब रूल सुन लो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 तो हमने कहा प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहता है, उसको वैसे ही रखना है, वैसे ही रहता है वो. बट अब डिजिट जो ड्रॉप करना है वह ग्रेटर देन 5 है, इसको नहीं चाहिए हमें, इसको यहां से निकालना है, ड्रॉप करना है. तो उस वक्त का रूल क्या है? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 फॉलोड बाय एनी डिजिट. एनी डिजिट मतलब
उसके बाद में कुछ भी रहने दो, जीरो रहने दो, नहीं तो नॉन जीरो डिजिट रहने दो। इसके पहले का डिजिट जो है, इट्स प्रीवियस डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय वन। क्या करना है उसको? इंक्रीज बाय वन। तो क्या होगा फिर सौरभ? ये नंबर 56.3 जो है वो 56.4 हो जाएगा। क्यों? उसके पहले का डिजिट जो 3 है उसमें 1 ऐड करना है, उसको 1 से इंक्रीज करना है, तो वो 3+1 हो जाएगा 4, तो हमारा नंबर होगा 56.4। क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? ये रूल समझ में आ गया? यस सर। स्टूडेंट्स बहुत ही जनरल है, डेली लाइफ में यूज करते हैं हम ये दो रूल्स। कैसे मैं बताता हूँ, सपोज आप कोई भी शॉप पर गए, सपोज ग्रोसरी शॉप पर गए, एंड आपका जो बिल है वो हो गया 91 रुपीस, 91 रुपीस 10 पैसे। तो हम 10 पैसे देते हैं क्या? नहीं। क्या हम 10 पैसे शॉप नंबर को देते हैं क्या? नहीं। हम क्या बोलते हैं? 91.10, चलो राउंड ऑफ कर दो 91। अगर आप 91 पॉइंट, या हम ऐसे कहेंगे, मैं ऐसे कहता हूँ 90.80 है आपका बिल, तो आप ये बोलेंगे 90 रुपीस दे दो, तो शॉपकीपर वाला बोल देगा आप 20 पैसे छोड़ दो ना, मुझे 91 दे दो। बराबर है क्या? सिंपल रूल क्या है? लेस देन 5 मतलब 50 से कम पैसे, 10 पैसे 20 पैसे छोड़ दो 91, एंड 50 से ज्यादा हो गए, 80 पैसे हो गए, 90 पैसे हो गए, तो उसको 1 राउंड ऑफ करके हम 90+1 91 लिख देते हैं। बराबर है कि नहीं? यस सर। यही रूल, यही सिंपल रूल डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ। अब देखो फिर नेक्स्ट, अब एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, साक्षी उगले। यस सर। देखो नेक्स्ट नंबर आपके लिए है, आप बताएंगे हमें 1.7891। अब आप मुझे सोचकर बताओ कौन सा डिजिट बता रहा हूं मैं, फोर्थ डिजिट जिसको हमें ड्रॉप करना है, इसमें फोर्थ डिजिट कौन सा है? सेकेंड एग्जाम्पल में 9, उसको बताने दो, साक्षी को बताने दो, कौन सा है साक्षी? 9। लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5? ग्रेटर देन 5। ओके, तो उसके पहले का डिजिट कौन सा है? 8। उसको क्या करोगे आप? इंक्रीजिंग 1। हाँ, तो क्या होगा नंबर? 1.79। वेरी नाइस, सिंपल रूल, सिर्फ पहले का डिजिट 1 से इंक्रीज कर दो। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम पूछेंगे साक्षी गीते। साक्षी गीते। यस सर। आवाज आ रही क्लियरली? हाँ। चलो अब आप हमें नंबर बताएंगे 5.6899। चलो फोर्थ डिजिट बता हमें कौन सा है? 9। वेरी गुड, उसके पहले का डिजिट बता हमें? 8। क्या होगा फिर नंबर राउंड ऑफ करने के बाद? 9.69। पहले से बताओ। 5.69। वेरी गुड, 5.69, गुड। साक्षी गीते, साक्षी उगले हो गए। सागर काले। यस सर। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, ओके? इस नंबर में मुझे बताओ फोर डिजिट कौन सा है सागर? सागर को आवाज नहीं आ रही शायद। आ रही है सर। आ रही है। 3.30। नहीं नहीं पहले मुझे बताओ, एक एक स्टेप वाइज जाएंगे हम, फोर डिजिट बोलो। 3.4 नहीं, फोर डिजिट, फोर्थ नंबर का डिजिट कौन सा है? 9।
नाइन, वेरी गुड। तो नाइन है तो हम क्या कहेंगे, नाइन है तो उसके पहले का डिजिट क्या करोगे, इंक्रीज करेंगे। हाँ, नाइन को वन ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, टेन। हाँ, तो क्या होगा नंबर बताओ आप, 3.30। करेक्ट, 29 प्लस 1 हो जाएगा, वो 3.30 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके, एक मिनट, वेटिंग रूम में कोई है क्या, देखने दो मुझे। ऋतुराज, ऋतुराज। यस सर। अब आपको नंबर बताना है नेक्स्ट, 8.8765। बताओ फोर्थ डिजिट कौन सा है, बोलो। नहीं, आवाज नहीं आ रही शायद। प्रशांत, राची शिंदे, पूनम राउत, बोलो फोर्थ डिजिट कौन सा इस नंबर में। सिक्स। राउंड ऑफ करो आप, डायरेक्टली बताओ। 8.88। वेरी गुड, 8.88, वेरी नाइस। अब मेरे पास नंबर है, डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, 7.6358। अब रूल सुनो अच्छी तरह से सब लोग। अब मैं पूछता हूं, रोहन काले। यस सर। नंबर क्या है बताओ मुझे। फाइव। फाइव नंबर क्या है पूछा मैंने, फाइव क्या नंबर, पढ़ो नंबर। सेवन पॉइंट सिक्स थ्री फाइव एट। इसमें फोर्थ डिजिट कौन सा है, फाइव। लेस देन फाइव है क्या, नहीं। फाइव है ना, लेस देन फाइव है क्या, नहीं। ग्रेटर देन फाइव है क्या, नहीं। अब रूल वन टू दोनों पे, दोनों में कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या आप, नहीं। yes. अब आप दोनों में से कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब है हम देखेंगे रूल थ्री, क्या है रूल थ्री जरा समझ लो। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली फाइव, नॉट लेस देन फाइव और नॉट ग्रेटर देन फाइव, इफ इट इज इक्वल टू फाइव, तो रूल समझ लो अच्छी तरह से, रूल समझ लो, कंडीशन समझ में आए क्या रोहन। यस सर। अब रोहन भुसारे, अब ध्यान दो आप रोहन, रोहन भुसारे आवाज नहीं आ रही क्या। यस yes, सर। मुझे बता इसमें फोर्थ डिजिट कौन सा है। फाइव। फाइव, वेरी गुड। तो आप रूल सुनो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव को फॉलो करने वाला, मतलब फाइव के बाद में आने वाला डिजिट कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो अगर होगा यहाँ पर, सपोज यही नंबर ऐसा होगा 7.6350, तो उसके लिए नहीं चलेगा ये रूल, रूल नंबर थ्री उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए और समझ ले यहाँ पर कि रूल किस तरह से हमें यूज करना है। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फाइव फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन इट्स प्रीवियस डिजिट, कौन सा है प्रीवियस डिजिट, थ्री। वह वन से इंक्रीज करना है, मतलब थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा, फोर। इसमें चेंज समझ लो आप लोग, इसमें चेंज समझ लो, थ्री फोर हो जाएगा। क्लियर है क्या रूल। यस सर। यस सर। ओके, अब एक मिनट, ये एक मिनट, इसका नाम है गोरवड़कर। गोरवड़कर, गोरवड़कर आवाज आ रही क्या, शायद उनको आवाज नहीं आ रही। ज्योतिर्मय,
यस सर. नेक्स्ट आप बताओगे. ओके यस सर. 8.352. चलो बता दो फोर्थ डिजिट कौन सा है. थ्री. कैसे क्या. हाँ फाइव है. फाइव करेक्ट है. क्या होगा राउंड ऑफ करने के बाद नंबर. 88.4. बहुत ही सिंपल है. चेंजेस समझ लो. 88.4. गुड. नेक्स्ट एग्जांपल मुझे कौन बताएगा. इंद्राणी. यस सर. बता मुझे आप. 7.3157. फिफ्थ डिजिट सॉरी फोर्थ डिजिट कौन सा है. फाइव. तो क्या होगा नंबर राउंड ऑफ करने के बाद. 7.32. वेरी गुड. शेजूल नंदिनी. यस सर. नंदिनी शेजू नेक्स्ट नंबर है आपके लिए. आप बताओगे हमें. ओके यस सर. 6.953. बहुत ही सोचकर बोलना पड़ेगा आपको. अभी पहले एक एक स्टेप बताओ. फोर्थ डिजिट सर. फाइव. फाइव वेरी गुड. फाइव एक मिनट संस्कृति आपके क्वेश्चन का भी आंसर बताता हूँ. वेट फोर्थ डिजिट फाइव है तो मुझे बता आप ये प्रीवियस डिजिट कौन सा है इसमें. नंदिनी सर. नाइन. तो उसमें वन ऐड करो. 67.0. वेरी गुड. ये समझ में आया क्या. आया क्या सबको. इसमें वन ऐड कर दिया आपने तो ये 910 हो जाएगा. यहाँ 7 हो जाएगा. यहाँ 6 रहेगा. तो यहाँ पर 3 डिजिट्स तक लिखना है हमें. तो इसलिए हमारा आंसर 67.0 हो जाएगा. इज इट क्लियर. यस सर. आप संस्कृत का क्वेश्चन पूछा है शायद आपके भी मन में होगा. संस्कृति ने पूछा है क्या फोर डिजिट्स है तो 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना कंपलसरी है क्या. तो ऐसा नहीं रहता है. संस्कृति क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स अप टू 2 डिजिट्स अप टू 4 डिजिट्स. सो जिस डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा है उस डिजिट्स तक हमें राउंड ऑफ करना है. सपोज इस क्वेश्चन में कहा होता है राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स तो हम 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते. तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है एंड मैंने इसमें 5 डिजिट्स दिया है. इसलिए कि 4 डिजिट हम जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके पीछे के डिजिट एंड पहले के डिजिट इनके लिए कंडीशंस है. तो वो कंडीशंस में बताने के लिए थोड़ा 5 डिजिट्स नंबर ले रहा हूं. क्लियर है सबको. यस सर. हां इसको कुछ पूछना है. नहीं सर. कोई तो भी माइक शुरू कर. ओके समृद्धि. यस सर. आपको बताना है अभी नेक्स्ट. ओके यस सर. ये देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ 9.8157. चलो बताओ 4 डिजिट कौन सा है. फाइव. ओके तो उसके पहले का डिजिट में क्या चेंज करोगे. वन ऐड करो. बताओ फिर क्या होगा. 9.82. वेरी गुड. 9.82 वेरी गुड. आलोक काकड़े. हेलो. यस सर. ये नंबर लिख रहा हूं मैं जरा ध्यान दो. 7.8.3.50. आलोक काकड़े इसमें फोर्थ डिजिट कौन सा है. फाइव. उसके बाद में आने वाला डिजिट कौन सा है. जीरो. जीरो है. वेरी गुड. तो क्या हम रूल नंबर 3 इसको यूज कर सकते हैं. नो सर. नहीं. क्यों.
क्योंकि इसके बाद जीरो आ रहा है। तो मैं और एक रूल आप सब लोगों को बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। नंबर है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट 72.850 एंड अब सुनो रूल नंबर 4। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज इक्वल टू 5 फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0 मतलब 5 के बाद 0 आना चाहिए, देन इट्स प्रीवियस डिजिट, इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, क्या करना है जरा ध्यान से देखो और समझ लो, इट्स प्रीसीडिंग डिजिट और प्रीवियस डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ये कंडीशन आपको वो वैसे रखना है, लेकिन कब, जब वह इवन डिजिट होगा, क्या होगा, इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले का जो आया वो 8 ऑड है या इवन, इवन है, इसलिए वैसे ही रखना है। फर्स्ट सेकंड रूल सिंपल है कि नहीं, रूल 1 एंड रूल 2 सिंपल है कि नहीं? यस सर। ये रूल मैंने जो बताया उसमें रूल 1 एंड रूल 2 सिंपल है कि नहीं? यस सर। आसानी से लर्न होता है कि नहीं? Yes. बोलो हाँ होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट पर क्वेश्चन नहीं आता। जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, उस पर क्वेश्चन ज्यादा तौर पर आते हैं। तो सिंपल रूल 1 2 तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, जहां पर कंफ्यूजन होगा आपको वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना ये, ठीक है। तो अभिजीत, अभिजीत Yes, sir. अभिजीत को आवाज आ रही क्या? अभिजीत रूल समझ में आया क्या? रूल नंबर 4 समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल बताओगे आप? ओके सर। ओके 6.3250 चलो आप बताओ मुझे, फोर डिजिट कौन सा है पहले बता दो। 5 5 उसके बाद में क्या है? 0 0 तो पहले का डिजिट क्या है? इवन है। इवन है तो क्या करोगे? 6.32 वेरी नाइस 6.32 उसको वैसे ही रखना है, क्लियर है? यस सर। ओके आलोक राज। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताना है। ओके ओके सर। यस 81.9650 चलो बता दो हमें, फोर डिजिट कौन सा है? फोर डिजिट 6। हाँ सॉरी 6 है क्या? चलो हम क्या करेंगे, मैंने ज्यादा डिजिट लिखी उसमें, ठीक है इसको मैं 50 कर देता हूँ। ओके 50 तो फोर डिजिट कौन सा है? 5। अब बताओ क्या होगा राउंड ऑफ करने के बाद, लेकिन उसके लिए रूल के लिए चेंज करना पड़ेगा मुझे, वेट मैं इसको क्या करता हूँ, नहीं 8 लिख देता हूँ, 81.850 मिक्स भी लेंगे हम, लेकिन इस रूल के लिए लेना है मुझे 81.850 फोर डिजिट 5, उसके बाद में आ रहा है 0, उसके पहले का डिजिट है 8 और एक है इवन है, इवन क्या होगा फिर राउंड ऑफ करने के बाद? 81.8 वेरी गुड 81.8 ये मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, बाद में लिखेंगे उसको। फोर्थ एग्जांपल अनिशा। अनिशा यस सर। आवाज आ रही ना आपको? यस। 1.1250 चलो राउंड ऑफ करके बता दो, फोर डिजिट बता दो पहले। 5 5 गुड क्या होगा राउंड ऑफ करने के बाद? 11.2 वेरी गुड 2 वैसे क्यों रखना है? बिकॉज इट इज इवन वेरी गुड इट इज इवन डिजिट चलो पूजा अर्दर। यस सर। रूल समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके चलो फिर ये एग्जांपल आपके लिए
5.3650. फोर डिजिट बता दो मुझे पूजा. 5 एग्जैक्टली 5 है. ओके उसके बाद में जीरो है क्या? हाँ सर. उसके पहले का डिजिट ऑड है क्या इवन है? इवन. तो क्या करोगे राउंड ऑफ करने के बाद? अनचेंज्ड सर. हाँ तो 5.36. वेरी गुड 5.36. अब रार रिजॉइन करने की जरूरत नहीं है, एंड नहीं होगा सेशन. ठीक है. ओके गुड. अथर्व. यस सर. अब नेक्स्ट रूल बता रहा हूं, जरा ध्यान दो. रूल नंबर 5. ओके यस सर. आप जरा उसको बता दो कौन कौन सी कंडीशन है, मैं बता रहा हूं उस पर पहले ध्यान दो. मेरे पास नंबर है 3.2750. तो मुझे बता दो फोर डिजिट कौन सा है इसमें? 5. एग्जैक्टली 5 है ना? लेस देन और ग्रेटर देन 5 ऐसा है क्या? नहीं है. ओके एग्जैक्टली 5 है. उसके बाद में क्या है, जीरो या नॉन जीरो डिजिट है? जीरो. अब उसके पहले का डिजिट कौन सा है? 7. ऑड है या इवन है? ऑड. ऑड है. तो पहले वाला रूल नंबर 4 एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं सर. नहीं. तो रूल सुन लो आप क्या बता रहा हूं. इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय 0 देन इट्स प्रीवियस डिजिट प्रीसीडिंग डिजिट is increased by 1 if it is odd. अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो अगर एग्जैक्टली 5 है और उसके बाद में 0 है, तो पहले का डिजिट 1 से इंक्रीज करना है अगर वो ऑड है. अगर वो ऑड है. क्लियर है? यस. तो क्या होगा हमारा आंसर? 3.28. क्लियर? क्लियर है क्या? यस सर. अब कौन बाकी है? खुद होकर भी बोल सकते हैं आप, हैंड रेस कर सकते. गणेश मुंडे. यस सर. अब आप आंसर बताओगे मुझे. ओके मिक्स भी एग्जांपल्स लेंगे हम, लेकिन आप पहले रूल के अनुसार 22.350. चलो बताओ आप मुझे फोर डिजिट कौन सा है बताओ. 5 है. गुड. फोर्थ डिजिट 5 है. उसके बाद क्या आ रहा है? 0. वेरी गुड. तो पहले का डिजिट क्या है? यस यस. हैंड जिन्होंने रेस किए मैं 3 है. तो क्या होगा आंसर? 22.4. ओके अब इंद्रानी बताएंगे. इंद्रानी ने पहले हैंड रेस किया था. इंद्रानी. यस सर. 77.750. फोर डिजिट बताओ. 5. गुड. तो उसके पहले का डिजिट 7. फॉलो करने वाला डिजिट 7. नहीं नहीं फॉलो करने वाला 5 को फॉलो करना 0. तो बता आप क्या करोगे? आप 7 को इंक्रीज करूंगी बाय 1. तो बताओ क्या होगा नंबर? 77.8. वेरी नाइस 77.8. ओंकार मंडलिक. यस सर. अब आपकी बारी है. आपकी बारी आ गई है. ओके यस सर. तो बताएंगे आप इसका? यस सर. बोलो फिर. बोलो फोर डिजिट. बोलो फोर डिजिट. बोलो 5. उसके बाद में 0 है क्या? यस सर. प्रीवियस डिजिट क्या है? 9. तो क्या होगा नंबर? 89.0. करेक्ट. 89.0 डियर स्टूडेंट्स. ये 88.9 है ना, 0.9 उसमें 1 ऐड करते हैं तो ये 89.90 बन जाता है, मतलब 89.0. क्लियर है सबको?
सर ओके अब संजीवनी बताएंगी संजीवनी यस सर अब लेकिन फाइव रूल समझ में आ गए क्या आपको पहले मुझसे बताओ पांच के पांच रूल समझ में आ गए यस सर पांच रूल से फर्स्ट सेकंड रूल बहुत आसानी बाकी तीन रूल जो है वो फाइव को लेकर है फाइव के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो पहला वन से इंक्रीज कर देना सिंपल मतलब तीनों रूल सिंपल है अब बच्चा फोर्थ एंड फिफ्थ उसके लिए कंडीशन बता देता हूँ एक बार फिर संजीवनी मुझे आंसर बताएंगी उसमें कंडीशन बता देता हूँ फाइव अगर है एग्जैक्टली फोर डिजिट उसमें दो कंडीशन है एक जीरो नहीं है फॉलो करने वाला डिजिट एंड जीरो है तो अगर जीरो है लास्ट में उसके पहले का डिजिट देखना है इवन है तो एज इट इज ऑड है ऑड हम बोलते हैं ना ये ऑड है मतलब रूल के अपोजिट है तो उसको वन इंक्रीज कर देना है जो ऑड है उसको वन से इंक्रीज कर देने का क्लियर है यस सर अब संजीवनी हम आपको बोलेंगे नहीं है ये पांच रूल में से कौन सा रूल अप्लाई करना है आप मुझे बताएंगे जो आंसर है वो ओके अब मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं संजीवनी सर ऑड नंबर और संस्कृति को कुछ पूछना है वो भी देखेंगे नहीं आप मुझे बताओ संजीवनी फोर्थ डिजिट कौन सा है उतना बता दो मुझे पहले फोर्थ डिजिट फोर है सर लेस देन फाइव या इक्वल टू फाइव या ग्रेटर देन फाइव लेस देन फाइव तो उसके पहले का डिजिट क्या करोगे पहले का डिजिट वन थ्री तो उसको क्या करोगे अनचेंज सर वैसे ही रखना है लेस देन फाइव है ना सुनो लेस देन फाइव डिजिट है ना फोर क्लियर है क्या यस सर तो उसके पहले का डिजिट वैसे ही रखना है कोई चेंज नहीं कर देने का उसमें सिंपल रूल लेस देन मैंने आपको एग्जांपल बताना डेली लाइफ में हमारे जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा तो उसको अप्रोक्सीमेट कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं अगर सपोज आप ट्यूशन में क्लासेस में गए ना आपको कहा हमारी फीस है सपोज हमने आपको कहा हमारी फीस है 17,000 आप क्या बोलते हैं सर राउंड ऑफ कर दो 10,000 बराबर है क्या yes, sir. उस वक्त राउंड करने में हम ज्यादा मतलब स्किल दिखाते हैं बराबर है क्या ऊपर के कट ही कर देते हैं तो ये सिंपल रूल है लेस देन फाइव है तो उसको क्या करना है अप्रोक्सीमेट करना है पहले के तीन डिजिट एज इट इज लिख देने के ना आगे के ड्रॉप कर देने पहले के तीन जहां तक राउंड ऑफ करने के लिए कहा वहां तक लिख देने का और आगे के ड्रॉप कर देने के कुछ लिखने की जरूरत नहीं ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं पहले तीन एज इट इज लिख दो क्लियर है ये रूल ओके शिवानी मोहिते यस सर अब रूल समझ में आ गए आपको पांच यस सर अब देखते आपको समझ में आए क्या नहीं सचमुच 18 पॉइंट मेरे पास नंबर है 763 तो शिवानी आप बोलो मुझे फोर्थ डिजिट कौन सा है सिक्स लेस देन फाइव या ग्रेटर देन फाइव ग्रेटर देन फाइव तो क्या करोगे पहले के डिजिट को इंक्रीज बाय वन तो क्या होगा 18.8 वेरी गुड एंड पहले वाला क्या होगा 8.23 बराबर है ना यस सर ओके अब जो हैंड रेस करेगा उसको पूछूंगा लेकिन उसके पहले संस्कृति ने कुछ तो भी क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं हाँ सर अगर लास्ट 9-0 नहीं है तो संस्कृति संस्कृति शिंदे yes, आपको ऐसे बोलना है कि इस रूल में लास्ट में जीरो नहीं है दोनों रूल में लास्ट में जीरो नहीं है तो ऐसा ही पूछना है कि आपको yes, तो जीरो नहीं है तो ये कंडीशन हो सकती है रूल नंबर थ्री ये पांच रूल है ना संस्कृति इसमें कोई छूटा नहीं है अगर जीरो नहीं है तो ये रूल आएगा यहाँ पर जीरो है क्या नहीं
नहीं है, तो यहाँ पर जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पर ये रूल है, तो फाइव डिजिट होगा एंड जीरो नहीं होगा लास्ट में, तो उसके पहले का डिजिट जो है वो वन से इंक्रीज कर देना है। देखो क्लियर है? ओमकार गायकवाड़ ओमकार, नेक्स्ट आपको दे रहा हूं एग्जांपल, सोचकर आंसर दे दो। ओके यस सर। फोर फाइव पॉइंट सिक्स फाइव जीरो, ओमकार गायकवाड़ फोर्थ डिजिट बताओ पहले। फाइव फाइव करेक्ट है, एग्जैक्टली फाइव है। अब फाइव आ गया कि पहले चेक करना है कि उसके बाद में क्या है, क्या है ओमकार उसके बाद में? जीरो। जीरो तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे? फिर जीरो देखने के बाद पहले का डिजिट भी देखना पड़ेगा, ऑड है या इवन? इवन सर। इवन है तो क्या करोगे? एज इट इज। तो क्या होगा नंबर? 4, 5.6। वेरी गुड। और कौन न्यू स्टूडेंट्स, कोई रह गया क्या? ओमकार कृष्णा को कहा छोड़ दिया, खुशी थोरा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए। ओके यस सर। चलो वन टू पॉइंट थ्री फोर फाइव सिक्स, आप सोचकर आंसर दे दो। हाँ फोर डिजिट बता दो फोर्थ नंबर का। फोर। फोर वेरी गुड। उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, ये लेस देन फाइव या ग्रेटर देन फाइव? एग्जैक्टली फाइव। नहीं नहीं फाइव ना, एग्जैक्टली फाइव नहीं ना, ये तो पहले तीन डिजिट ही है, फोर डिजिट ये क्या मैंने मार्क किया फोर ए करके, फोर लेस देन एग्जैक्टली फाइव है क्या? फोर तो लेस देन फाइव है ना, तो अब बताओ लेस देन फाइव होगा तो क्या लिखोगे? 12.3। वेरी गुड। माइक म्यूट करो सब लोग। अब कौन बताएगा? शिवानी पवार। यस सर। देखो नेक्स्ट 9.999। चलो आप कौन बताएगा? शिवानी पहले मुझे बताओ फोर्थ डिजिट कौन सा है? नाइन। नाइन अब थोड़ा सोचकर बताएंगे, तो नाइन है तो लेस देन फाइव या ग्रेटर देन फाइव? ग्रेटर देन फाइव। तो क्या करोगे आप मुझे सोचकर बताओ, अच्छी तरह से सोचकर बताओ। बोलो तो हमें क्या करना होगा, पहले के डिजिट में क्या करना होगा? प्लस वन। तो 99.9 में वन ऐड करने के बाद क्या होगा आपका नंबर? 9 plus 1 10 0। अब हमें तो थ्री डिजिट चाहिए क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है थ्री डिजिट तक, तो आपका नंबर क्या होगा? बोलो। 100। हंड्रेड पॉइंट जीरो एक्यूरेसी के लिए वह दिखा सकते हैं आप, लेकिन 100, लेकिन वो एक्यूरेसी वगैरह क्या है वो हम बाद में देखने वाले। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स क्लियर हो गया, पांचों के पांचों रूल्स? यस सर। गुड। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा राउंडिंग ऑफ द नंबर्स में। ओके नहीं तो कल ऐसा करेंगे, कल और एक आर्टिकल देखेंगे, आज का कल का दोनों मिलकर मैं असाइनमेंट या प्रैक्टिस शीट सेंड करूंगा, चलेगा? यस सर। ओके तो आज हम आज का लेक्चर यही स्टॉप करेंगे। ओके यस सर। ओके थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है डिफिकल्टी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका डाउट सेंड कर सकते हो,
एंड अगर कुछ वीडियोस आपको देखना है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो. ओके यस सर. यस सर. सो थैंक यू वेरी मच. इंद्रानी कुछ पूछना है आपको? नो सर. ओके ठीक है चलो एंड कर दूं मैं सेशन. यस सर. ओके थैंक यू वेरी मच.